हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोरंजन मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात समीर के घर में चोरी हो जाती है, तो चोर पैसा और सोना लेकर नहीं भागता, बल्कि किचन का सामान चोरी करके भाग जाता है। चोर 3 प्लेट्स, 3 स्पून और 4 बाउल्स लेकर भाग जाता है। फिर अगले दिन दूसरे घर में चोरी होती है, तो चोर 5 प्लेट्स, 2 स्पून और 3 बाउल्स लेकर भाग जाता है। फिर अगले दिन चोरी हुई, तो इस बार चोर ने 7 प्लेट्स, 1 स्पून और 2 बाउल्स लेकर भाग गया। तो अब आप हमें बताइए कि इस बार एक घर में और चोरी हो जाती है, तो इस बार चोर ने 6 प्लेट्स और 3 स्पून चुराए थे। तो अब आप अच्छे से सोचिए और हमें बताइए कि चोर इस बार कितने बाउल चुराएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। चोर हर बार 10 सामान की चोरी कर रहा था। पहले दिन उसने 3 + 3 + 4 यानी 10 सामान की चोरी की है। दूसरे दिन भी उसने 5 + 2 + 3 यानी 10 सामान की चोरी की। तो इसी प्रकार वो लास्ट दिन भी 10 सामान की ही चोरी करेगा। तो भाई देखिए, 6 प्लेट्स हैं और 3 स्पून हैं, तो चोर 1 बाउल्स की ही चोरी करेगा ना, तो वो हो जाएंगे 10। तो पजल देखकर मज़ा आया ना, तो इस बात पर वीडियो को 1 लाइक कर दो यार। दोस्तों भाई, आपका मैथ तो बहुत पक्का है ना, तो इस पर मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ। मान लीजिए भाई कि आप एक दुकान पर गए, आपको 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 बर्गर और 1 आइसक्रीम खरीदनी है। तो दुकानदार ने आपसे कहा 3 कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए और 1 कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर 20 रुपए और 1 बर्गर और 2 आइसक्रीम 9 रुपए। अब आपको 1 बर्गर, 1 आइसक्रीम और 1 कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है। तो अब आप हमें बताइए कि आप दुकानदार को कितने रुपए देंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए भाई, 3 कोल्ड ड्रिंक होंगी 30 रुपए की, तो 1 कोल्ड ड्रिंक होंगी 10 रुपए की। अब उसी प्रकार 1 कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर होंगे 20 रुपए के, तो 1 कोल्ड ड्रिंक तो 10 रुपए की है ना, तो अब 2 बर्गर हैं, तो 1 बर्गर होगा 5 रुपए का। तो उसी प्रकार 1 बर्गर और 2 आइसक्रीम है 9 रुपए की, तो 1 बर्गर होगा 5 रुपए का। अब 2 आइसक्रीम है, तो 1 आइसक्रीम होंगी 2 रुपए की। अब आपको 1 बर्गर, 1 आइसक्रीम और 1 कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, तो 1 बर्गर होगा 5 रुपए का और 1 आइसक्रीम होगी 2 रुपए की और 1 कोल्ड ड्रिंक होगी 10 रुपए की। तो इस प्रकार आपको दुकानदार को टोटल 17 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों वैसे आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए थे, तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पजल नंबर 3 आज बूझो तो जाने कि आप वाकई में ऑलराउंडर हो। तो सुनिए, 4 है रानी और 1 है राजा, लेकिन सभी काम में उनका साझा बाझा, तो बताओ कि वह कौन है। तो भाई जरा सोचो सोचो। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही इजी था और वह है हाथ का पंजा। देखिए, जिसमें 4 उंगलियां हैं यानी 4 है रानी और 1 है अंगूठा यानी राजा। तो किसी भी काम में इन 5ों का है ना साजा बाजा। तो क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो वाकई में यार, आप ऑलराउंडर हो, तो इस बात पर आप अपने लिए 1 लाइक कर दो यार। दोस्तों भाई, आप फल तो खाते हो ना, और आपको सभी फल के नाम भी पता है। तो चलिए पजल नंबर 4 में आज आपको पिक्चर को देखकर फल का नाम गेस करना है।
भाई इसे गेस करना सबके बस का काम नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। ओहो, ये तो बहुत ही टफ हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले है मटर की फली, जिसे हम पी कहते हैं, और बाद में है लैम। तो दोनों मिला देने पर प्रोनाउन के हिसाब से क्या बन जाएगा? पिलम यानी प्लम। तो भाई किस किस ने इस फल को गेस करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाया था, तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन है आज के वो 10 लकी विनर। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था सुभाष चंद्र बोस। तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनर, आकाश लथवाल, पीके क्रिएशन, मीनाक्षी गोगिया, साक्षी प्रजापति, पाली सिंह, नंदी पापने, संतना अधिकारी, टेक नैतिक, प्रदीप कुमार और राकेश यादव। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।